दोस्तों, इस इंडस्ट्री में लाइक इन एनी अदर स्फीयर ऑफ लाइफ लोगों को अपने अपने काम के लिए पैसे दिए जाते हैं। कैमरामैन को फिल्म शूट करने के पैसे, डायरेक्टर को फिल्म बनाने के पैसे, एक्टर को फिल्म में काम करने के पैसे, सिमिलरली से अ कॉमेडियन, कॉमेडियन को लोगों को हंसाने के पैसे। लेकिन हमारी आज की जो गेस्ट है उनके जैसा काम सबको मिले। उनको आपने छोटे पर्दे पर सालों से देखा होगा एंड उन्हें पैसे मिलते हैं हंसाने के नहीं, हंसने के पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हंसने के पैसे मिलते हैं, वेल यू आर रॉन्ग, बिकॉज हाल ही में उनको आपने एक फिल्म में देखा है जहां पर, जिस फिल्म में उन्होंने आपको इतना हंसाया कि डेफिनेटली यू विल बी फोर्स टू से कि इन्हें हंसाने के भी पैसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम अर्चना पूरन सिंह। अर्चना, वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू कोमल। एक्चुअली बहुत लोगों ने आपको बोला होगा, यार आपका काम तो मस्त है, जज करो एक शो को, हंसो जोर जोर से हंसो और पैसे लेके जाओ, लाफ ऑल द वे टू द बैंक, लाफ ऑल द वे। बट I must say, what a wonderful performance in Bol Bachchan. बहुत compliments आए होंगे। Yes, lots of, but yours was the first one. Really? Yes, तुमने जो परमीत को मैसेज किया फिर मुझे डायरेक्टली उनसे नंबर लेकर, yours was the first message and I said, अरे अच्छा, that means it must be good, yeah? Because I never expected this kind of response, this kind of fervor and fever. I think people, मतलब पागल हो गए आपकी कॉमेडी पर। जब आप शूटिंग कर रही थी तब कुछ एहसास था कि ऐसे हंसाएंगी आप पब्लिक को? जब मैंने नरेशन सुना कहानी का तो मुझे बहुत मजा आया था और मुझे याद है कि जब भी मैंने फिल्में की जो बहुत सुपर हिट हुए, लेकिन जैसे कुछ कुछ होता है, उसमें जब करण ने मुझे नरेशन दिया था तो आई वॉज मेस्मराइज बाय द नरेशन। और एक आध ऐसी और फिल्म में तो मैंने सोचा, आई सेड कॉन्शियसली नहीं सोचा, लेकिन एहसास हुआ कि दिस इज सच अ लवली फिल्म, इट्स वेरी फनी, आई लाफ्ड आउट लाउड नरेशन में भी। तो जायज है कि जब हमने शूटिंग की तो और मजा आने लगा सीन्स में। और मुझे एक ख्याल तो आया कि हाँ, जब भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ शूट करना फिल्म में तो वो फिल्म बहुत हिट होती है। आई थिंक कॉमेडी का वही बेंचमार्क है कि जब तक एक्टर्स इन्वॉल्व होकर मजा ना ले कॉमेडी करते वक्त, तो फिर आप ऑडियंस को कैसे मजे दिलाएं। ट्रू। अर्चना, इसी से आप मेरा अगला सवाल निकलता है। कभी कभी जैसे कॉमेडी रोल है, कभी कभी आपने फिल्म साइन कर ली एंड शूटिंग के दौरान आपको ऐसे लगा कि यार ये बात नहीं बन रही है, यू नो मजा नहीं आ रहा है, हाउ डू यू देन कंटिन्यू एक्टिंग इन द फिल्म एंड रियली ट्राइंग टू डिलीवर योर बेस्ट, और यू लूज इंटरेस्ट, क्या होता है? नो, एज अ थियेटर प्रोफेशनल कभी लूज इंटरेस्ट, यू हैव टू नॉट अलाउ योर सेल्फ टू लूज इंटरेस्ट। और ऐसा भी हुआ है, बहुत सारी फिल्में ऐसी की मैंने जिसमें वो काम नहीं बना जो इच्छा थी या जो लगता था शुरू में। तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि राइटर को बोला, इधर आ वैनिटी वैन में पन्ना पलटा और बोला, अभी लेट्स री राइट द सीन। अच्छा। I have rewritten scenes. Really? Because मैंने टेलीविजन पर 30 years हो गए मुझे काम करते वक्त, तो मैंने डायरेक्ट भी किया है, राइट भी किया है, एक्ट भी किया है, एंकर भी किया है, मतलब सब कुछ किया है। तो राइटिंग का जो एक फ्लेयर आता है कि ये पंच लाइन है, ये ऐसे बोलोगे या ऐसे लिखोगे तो ही ये पंच लाइन बनेगी, तो ही हंसी आएगी। तो कभी कभी राइटर्स की सहमत और यू नो उनके साथ, उसके साथ सहयोग के साथ आई हैव रीरिटन सीन्स। और ऐसा भी होता है कि मालूम है कि ये जो डायरेक्टर है इसको कुछ पता नहीं है, सीन बताते वक्त या डायरेक्ट करते वक्त तो हंस रहा है, लेकिन जब ऑडियंस देखेगी तो बिल्कुल हंसी नहीं आएगी। तो फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा सा गाइड करते हुए या थोड़ा इंप्रोवाइज करते हुए, और सीनियर एक्टर हैं तो इसलिए वो अलाउ करते हैं, तो उस इंप्रोवाइजेशन में हम 99% ऑफ द जॉब कर देते हैं। बट आई एम नॉट टेकिंग ऑल द क्रेडिट, देयर आर सम फिल्म्स जहां पर आपको इंप्रोवाइज करने के साथ साथ लेकिन सहयोग बहुत मिलता है राइटर्स का, जैसे कि बोल बच्चन में। बोल बच्चन में राइटिंग वॉज सो फैबुलस, आई थिंक द मेन हीरो ऑफ दिस फिल्म इज द राइटर। आई एग्री, दे आर वंडरफुल, यूनुस अजावल और फरहाद साजिद ने जो लिखा है बहुत ही बढ़िया लिखा है। आपने अभी कहा कि सीनियर एक्ट्रेस हूं तो लोग मान भी लेते हैं, सीनियर एक्ट्रेस है सिर्फ इसलिए नहीं मानते हैं, टैलेंटेड है इसलिए भी मानते हैं, बिकॉज आई एम श्योर उन्हें भी लगता होगा कि सेंस ऑफ कॉमेडी, एक्चुअली ये सेंस ऑफ कॉमेडी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इट कैन जस्ट फॉल फ्लैट। एब्सोल्युटली। एंड मैं ये भी कहूंगी कि सेंस ऑफ कॉमेडी लोग बोलते हैं इनबॉर्न है, लेकिन बचपन से था मेरे में, मैं माइमिंग करती थी, मिमिकिंग करती थी, ये सब करती थी और मजाक ऊटपटांग अभी भी करती हूं, घर में शोर शराबा होता रहता है और सब बोलते हैं मम्मी इतना चिल्लाती है, मम्मी इतना उछल कूद करती है, माय चिल्ड्रन आर 16 and 13, लेकिन सबसे ज्यादा उछल कूद मैं ही करता हूं। तो वो मेरे अंदर, एब्सोल्युटली, एंड दैट्स द वे कॉमेडी इज डन। आप अपना बचपन ना भूलकर आप उतना ही एंजॉय करें अपने काम को, लेकिन एज अ क्राफ्ट कॉमेडी कैन बी डेवलप्ड, उसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो 30 साल में मैंने रियाज किया है अपनी क्राफ्ट को डेवलप करने का। फॉर अ कॉमेडियन
ऑब्जर्वेशन इज द मेन थिंग ऑफ लाइफ ऑफ अदर पीपल एंड ऑफ कॉमेडी इटसेल्फ. तो मैंने कॉमेडी और कॉमेडियंस को ऑब्जर्व किया है, लाइफ को, ह्यूमन बींग्स को बहुत मजा आता है. ह्यूमन बींग्स जैसे एनिमल्स है नहीं दुनिया में. तो उनको ऑब्जर्व करके फिर आप जब पर्दे पर उन्हें दर्शाते हैं और उनको दिखाई देते, अरे यार हाँ हम लोग ऐसा भी करते हैं यार, हाँ यार ये ऐसा भी कर, हाँ देन यू रियलाइज कि अरे दे आर स्पूफिंग ह्यूमन बींग्स एज कॉमेडियन. मैंने जोरा बाई का जो कैरेक्टर किया है, इट्स अ स्पूफ ऑन अ लेडी जो अपनी एज एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना. और उसके लिए यू टेल अस, हाँ दीदी, दीज वर द राइटर्स इनपुट्स. उन्होंने बोला था वहां दीदी लिखा हुआ था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं लिखी थी, जो ऑफकोर्स उनको भी तो भरोसा होता है एक्टर पर कि ये भी तो कुछ करेगा. हाँ, मगर बिफोर यू अप्रोच अ रोल कुछ प्रेपरेशन होता है या एवरीथिंग इज स्पॉन्टेनियस अबाउट कॉमेडी? स्पॉन्टेनिटी वाकई में 100% स्पॉन्टेनिटी होती है या प्रेपरेशन भी करना? नहीं, मेथड टू मैडनेस तो होना ही पड़ता है. जैसा कि मैंने बोला, कॉमेडी स्पॉन्टेनियस होती है, इंप्रोवाइजेशन होता है, लेकिन उसका एक क्राफ्ट भी होता है. और स्पॉन्टेनियस होता है टाइम, उस वक्त कैसे हर टेक आपका अलग होता है कॉमेडी. करेक्ट, यू कैन नॉट हैव द सेम मेथोडिकल यू नो टोटली चार्टेड आउट टेक एवरी टाइम. उसके बावजूद आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. आई गेट माय लाइंस बिफोर. और कई बार लोग हिंदुस्तान में थोड़ी प्रिपरेशन के लिए ऊपर बहुत लोग ताज्जुब मानते हैं, बट व्हेन यू कॉल द लाइंस एट होम, जैसे अर्चना जी आप तो कर, मैं कर नहीं, कर नहीं लूंगी, मुझे चाहिए. ओवर प्रिपेयर भी नहीं करती. ओवर प्रिपरेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है. लाइनें पढ़ती हूँ और जैसे माय फर्स्ट रिएक्शन टू द लाइंस इज आई एड अ लाइन, आई एड अ वर्ड, आई ट्वीक समथिंग, और वहां से कैरेक्टर बनना शुरू होता है. तो जो लाइनें पढ़ती हूँ एंड देन व्हेन आई गो ऑन द सेट और डायरेक्टर बोलता है चलिए रिहर्सल करते हैं, एंड व्हेन आई रिहर्स ही सीज द कैरेक्टर कम अलाइव इफ आई एम लकी. And if I'm good, वो कैरेक्टर को देखता है ये तो... थोड़ा हटा दीजिए. We all know you're good. We all know you're lucky. No, मैंने ये सीख लिया है कि अपने ज़्यादा false immodesty is not good. लेकिन I am good. I know that and I take pride in that. लेकिन आपके pride में वो humility होती है क्योंकि ये जो दिया है ऊपर वाले ने दिया है. आपने इस पर काम किया है, लेकिन इसी पर काम किया है जो ऊपर वाले ने दिया है. बेसिक तो ऊपर वाला देगा तो ही बात बनेगी. लोग सोचते हैं कि कॉमेडी आसान है यार, बाएं हाथ का खेल है. नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट मस्ट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अगर से एंजॉय करें तो ये बहुत बहुत फ्रूटफुल और रिवॉर्डिंग होती है. करेक्ट, इट गिव्स यू सो मच हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड, नॉट ओनली टू लाफ योरसेल्फ व्हाइल यू आर डूइंग इट, एंजॉयिंग योरसेल्फ व्हाइल यू आर डूइंग इट, लेकिन जब आप लोगों को देखते हैं हंसते हुए हॉल में, इट्स सो एक्सिलरेटिंग, इट इज समथिंग एल्स. और पांच साल मैंने कॉमेडी सर्कस किया, ये पांचवा साल है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. जितनी ब्लेसिंग हमें मिलती है वो बोलते हैं मैम आप हमें हंसाते हो, आप हमारा स्ट्रेस दूर करते हो. वो मेरे लिए नहीं है, सबके लिए बोलते हैं, लेकिन मेरे को जब ट्वीट्स आते हैं, मैसेजेस, एंड दे से गॉड ब्लेस यू मैम. सो आई फील वी आर सो ब्लेस्ड कि हम एज कॉमिक एक्टर्स हमें मौका मिलता है दर्शकों को हंसाने का. एंड इट्स गॉड्स वर्क, मेरे वो शब्द नहीं है, लोग बोलते हैं यू आर डूइंग गॉड्स वर्क. सो आई फील वेरी 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 नाइस, वेरी राइट. एंड यू सेड यू नो कि यू हैव टू डेवलप इट बाय ऑब्जर्विंग पीपल. तो कभी कभी कैरिकेचर भी कर लेती हैं आप कि एग्जैक्टली जो आपने देखा है उस आदमी को या उस लड़की को, फीमेल को, जस्ट ड्यूप्लीकेट कर लेती है? और इट्स नॉट सो सिंपल. नहीं, ड्यूप्लीकेट करना भी बहुत आसान है, बिकॉज जैसे दैट्स कॉल्ड मिमिकिंग. मिमिकिंग वो तो बहुत आसान है, अमित जी का हाई करके वो सब हो सकता है. लेकिन किसी से इंस्पायर होकर, किसी कैरेक्टर से इंस्पायर होकर उस पर अपना एक कैरेक्टर बनाना, वो बहुत मुश्किल होता है. लेकिन अगर हो जाए तो बहुत फैंटास्टिक होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने श्रीमान श्रीमती एक सीरीज किया था, दूरदर्शन पे था. Correct. वो बहुत सुपर हिट हुआ था. उसमें मैं एक एक्ट्रेस प्ले करती हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा अपना एक एंग्लिसाइज सा कुछ अंदाज दिया था और उस कैरेक्टर को मैंने बेस किया था. मैंने पहले एक जगह और बताया है, ये मुनमुन सेन पर. और मुनमुन सेन जिस अंदाज में बोलते हो, अगर पर्सनली आप उन्हें अंदाज में बोल के बताइए. फॉर इंस्टेंस, अगर मुनमुन सेन स्टेटमेंट भी करती है ना कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो बोलेंगी ये, मैं कैसे बोलूंगी कोमल आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो बोलेंगी कोमल बहुत अच्छे लग रहे हैं. वो स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन बना देती है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सवाल हो गया. ओके, और हम बोलेंगे से आप बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो मैंने उस अंदाज को लेकर और हर चीज में थोड़ा फ्लर्टेशन, यू नो, कोई भी होगा, नौकर हो, जब बच्चा हो, उसके साथ हाय बेबी हाउ आर यू, तो मैंने वो अंदाज पकड़ा. लवली लवली. एंड आई क्रिएटेड प्रेमा शालिनीज कैरेक्टर आउट ऑफ दैट. अब मुझे समझ में आया, आप जिस तरह आपने कहा ना कि यू गॉट टू बी वेरी गुड, अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, बिकॉज
आपको अपने सबकॉन्शियस में ये सब बातें रखनी पड़ती है, कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए पता नहीं। आई थिंक यू हैव टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन ह्यूमन बींग्स, और मैं बहुत इंटरेस्टेड इन ह्यूमन बींग। कोई यूं ऐसे ऐसे करता है वो भी ऑब्जर्व करते, फ्राउन ज्यादा करता है, हे 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 करके हंसता है, वो सब पता नहीं जहन में घूमता रहता है रात को दिन में, और उसको कहीं ना कहीं मैं अपनी बातचीत में भी इनकॉर्पोरेट कर लेती हूँ, लोगों की हल्की हल्की नकल करने लगती हूँ। तो वो अपने अंदर जब समाज आता है, तब जब एक कैरेक्टर आता है बोलता है यार उसका जो वो ऐसे अटकने का जो अंदाज था वो डालूं क्या इसमें, या जो अजीब तरह से ऐसे ऐसे करके हंसती थी ऐसे करती, यू नो ऑल दी स्मॉल, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कई लोग अजीब अजीब चीजें कर, जैसे मैं अपने हाथों से बात करती हूँ तो कोई मुझे अगर कॉपी करेगा तो बोलेगा अर्चना जी अब कैसे एग्जैजरेट करके अगर मुझे, तो आई टॉक लाइक दिस। तो ऑब्जर्वेशन जो कॉमेडी सर्कस के टैलेंट जो करते हैं, जो मैं अपनी फिल्मों में करती हूँ, टेलीविजन पर करती हूँ, कम काम करती हूँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन के जरिए ही कैरेक्टर्स बना सकती हूँ। वेरी ट्रू, आप मुझे इतने सालों से जानती है, अभी भी 10 मिनट से यहाँ है, मुझे मतलब मेरे बारे में क्या ऑब्जर्व किया एंड थोड़ा मुझे इमिटेट कीजिए। अब आपको क्या मैं इमिटेट करूं, आप तो यहाँ पर बैठे हैं, आपका हर चीज बहुत प्रॉपर होता है, और जैसा कि मैं आपको बहुत कम मिलते हैं आपसे, लेकिन एक आपका एक बोलने का अंदाज वेरी प्रॉपर एंड प्रिंस एंड बट यू हैव अ वेरी वार्म साइड ऑल्सो। ओके, मुझे ये एक बात बताइए, आप छोटे पर्दे पर इतनी बिजी हैं इसलिए हम आपको बड़े पर्दे पर इतना कम देखते हैं, और इट्स बाय चॉइस कि आपको ज्यादा फिल्में नहीं करनी? नो नो नो, मैं फिल्मी आंसर दूं और मैं इधर उधर ढूंढ कर दूं तो दैट्स नॉट मी। माय आंसर इज वेरी ऑनेस्ट, आई डू फिल्म्स व्हिच आर ऑफर्ड टू मी। अगर ऑफर ही ना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ऑफर कभी कभी ऐसी फिल्में होती हैं जो रियली बहुत ही खराब होती है, वो तो नहीं करेंगे, बहुत बी सी ग्रेड हो या फिर उसमें रोल ही ना हो, अरे यार आप, और फिर पैसे भी ना हो तो या तो आप पैसों के लिए फिल्म करो या आप रोल के लिए करो, या दोनों ना हो तो क्यों करो, क्यों करो। तो हियर इन रोहित शेट्टी की फिल्म में एक तो बैनर इतना बढ़िया, रोहित शेट्टी आई रियली एडमायर द सिंघम, आई लव्ड एंड दिस फिल्म आल्सो आई लव्ड बोल बच्चन, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने काम किया, इसलिए क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है, हंसा हंसा के पागल कर दिया। और कोई रोहित शेट्टी क्लेम नहीं करता कि मैं कुछ यू नो आई एम गोना री इन्वेंट सिनेमा और समथिंग, जो क्लेम करते हैं वो एंटरटेन डिलीवर करते हैं। हाँ, सो मुझे अगर उनकी फिल्म मिले और मैं फिर उसको ना बोलूं, देन आप मुझे अक्यूज कर सकते हैं, नॉट फेयर अर्चना। लेकिन मुझे ऐसी फिल्में नहीं मिलती जहां पर रोल अच्छा हो, द मनी इज गुड, एक्चुअली मनी इज अनइम्पॉर्टेंट, रोल और बैनर और दे शुड बी सम मीट इन द फिल्म। तो अगर नहीं है फिर ऐसा लगता है कि जो मैं कर सकती हूँ जब वही आप मुझे करने नहीं दे रहे हैं तो मैं फिर काम क्यों करूं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टेलीविजन से हमें इतना मिल जाता है कि वी डोंट हैव टू डू बैड फिल्म्स। एंड आई कैन वेल अंडरस्टैंड कि मैं क्यों करूं जब इस मकाम पर पहुंच गई हूं। मुझे ये बताइए, एक टर्निंग पॉइंट आपके करियर का मेरे ख्याल से राजा हिंदुस्तानी था। या और अब ये मेरे ख्याल से आपके आपके मुंह में घी चक्कर। लेकिन कोमल एक बात है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आप बताइए कि रोल्स रिटन फॉर वुमेन कहां है? अगर कैरेक्टर लिखेंगे मेरे लिए तो सबसे पहले वो मेल कैरेक्टर होगा, मतलब मेरे लिए नहीं लिखेंगे, मेरे टाइप ऑफ अगर कैरेक्टर एक्टर के लिए लिखेंगे तो वो दिस विल बी लाइक अ रोल दैट विल परेश रावल विल डू, और देयर आर सो मेनी अदर गुड। इट्स वेरी सैड, व्हाट यू सेड इज अ वेरी राइट ऑब्जर्वेशन। तो मेरे अर्चना पूरन सिंह, अच्छा ये जो रोल था ये अर्चना पूरन सिंह के लिए लिखा था, correct. लेकिन बहुत कम होते हैं, शायद उन्हें यकीन नहीं, या तो यकीन नहीं है कि कोई भी फीमेल एक्ट्रेस अच्छा काम कर सकती है, या उन्हें भरोसा नहीं है कि वो कुछ बाहर संभाल सकती है फिल्म का। आई थिंक इट्स लाइक दैट एंड आई हैव नो कंप्लेंट। मैंने सालों पहले छोड़ दिया इंडस्ट्री से कोई कंप्लेन रखने का, जब मिली रोहित शेट्टी की फिल्म अच्छी तरह कर दी, पीपल हैव एक्सेप्टेड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच, आगे नहीं मिले माय बैड लक, आगे मिले तो फैंटास्टिक, वेरी गुड, माय गुड लक। और पॉजिटिव आउटलुक इन लाइफ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्रिबिंग, आई लव दिस इंडस्ट्री फॉर व्हाटएवर इज गिवन मी एंड व्हाटएवर इज नॉट गिवन मी वो मेरी किस्मत में था ही नहीं। किस्मत में बहुत यकीन रखती है, ऑफ कोर्स, किस्मत एंड हार्ड वर्क बोथ, हाउ यू आर गिवन सम कार्ड्स इन लाइफ, आई हैव बीन गिवन सम कार्ड्स इन लाइफ, डेल्ट सम कार्ड्स इन लाइफ, लेकिन उन कार्ड्स को मैंने कैसे खेला है वो मेरे ऊपर है, दैट इज माय हार्ड वर्क। अगर मुझे आपने कार्ड्स दिए और मैंने उनको हार्ड वर्क नहीं किया आपने लाइफ तो फिर तो देन आई डोंट डिजर्व, आई हुई किस्मत भी चली जाती है। एग्जैक्टली, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आई कैन डू ओनली फिल्म्स व्हिच आर ऑफर्ड टू मी, मतलब आप सामने से जाके काम मांगने में ना कभी किया ना मतलब आज तक कभी नहीं किया, बट देयर आर द मॉडर्न ट्रेंड इज, हां ठीक है मुझे काम अच्छा लगता है, आई डोंट माइंड गोइंग आस्किंग। कोमल मैं क्या भी राकेश रोशन को फोन करके, ही नोज आई हु आई एम, ही नोज वेयर आई एम, ही नोज हाउ टू गेट इन टच विद मी, और उन्हें ऐसा भी नहीं कि मैं एक एक्टर हूं, मेरा नाम अर्चना, उन्होंने मेरा काम जरूर देखा होगा, सबने इंडस्ट्री में मेरा काम देखा है। मुझे ये लगता है कि जब आपके पास एक रोल होगा तो आप आएंगे,
और वाकई में ड्यू फील कि मांगने से मिलता है काम, मुझे तो नहीं लगता। इस मकाम पर जब आप नए हो और आपको जरूरत है लोगों को बताने की भैया आई एग्जिस्ट, तो हो सकता है एक हीरोइन की रिप्लेसमेंट हो सकती है, यू नो टॉप 3-5 हीरोइन रिप्लेस हो सकती है एक दूसरे से। मैं किसको रिप्लेस करूंगी? आपने किसको सोचा था लेने के लिए जो आप सडनली अर्चना पूरन सिंह रिप्लेस कर सकती है? मेरा तो एक नीश है, उसमें दो चार भी मैं बहुत जेनरस होकर बोल रही हूँ है नहीं, मेरे नीश में नहीं है। तो अगर मेरे लिए रोल होगा तो आप मेरे पास आएंगे ही आएंगे, और अगर नहीं आएंगे और दूसरा किसी को बना लेंगे या किसी और को चांस दे देंगे तो फैंटास्टिक, बिकॉज इट्स अबाउट टाइम कि एक ही अर्चना ना हो और सारे लोग भी होना चाहिए इस नीश में। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत दुख लगता है कि इस नीश में नहीं है। क्यों हमारी कॉमिक एक्ट्रेसेस क्यों नहीं आती हैं हमारे देश में, आगे क्यों नहीं आ रही हैं? पता नहीं उनको मौका ही नहीं मिलता। कभी सोचा तो होगा आपने इस बारे में, क्या ऐसी क्या बात है इंडियन सिनेमा के बारे में कि फीमेल कॉमेडियंस आर नॉट रियली गिवन सो मच? सबसे पहली बात यह कोमल कि हमारे जो सब हीरोइन बनना चाहते हैं, तो सही है, मैं भी हीरोइन बनने आई थी, लेकिन जब हीरोइन आप ना बनो या आप अगर आप हीरोइन उस दर्जे के ना बनो जहां जो आप चाहते थे, तो ये तो सोचो मैं एक्टर बनना चाहती हूं, मैं एक्ट्रेस हूं। दूसरी बात, मैं हीरोइन हूं और मेरे बाल ही अच्छे लगे और मेरा लिपस्टिक आज लेटेस्ट हो और प्रियंका चोपड़ा जैसे मैच, वो ही क्यों? व्हाई आर यू सो कंसर्न ओनली अबाउट लुक्स? अगर आप कॉमिक एक्टर बनना चाहते हो तो ये चेहरा छोड़ दो, ऐसे ऐसे करके और ऐसे करना सीखो। बाल वाल पर ध्यान नहीं दे सकते हम लोग, क्या क्या करते हैं एक्टर्स। अगर मैंने जोराबाई में ये सोचा होता कि जब मैं बाथरूम की खिड़की से गिरूंगी और पॉट पर गिरूंगी, तो जब सब मेरा ही आइडिया था पॉट वॉट पर गिरना और मेरी टांगे ऐसी चौड़ी होंगी, मैं कैसी लगूंगी, तो मैं नहीं कर सकती थी वो सीन। और वो ऊपर उठकर सारे गए तेरे को दूं क्या, वो मैं अगर हीरोइन बनना चाहती हूं तो नहीं कर सकती। फर्स्ट थिंग यू हैव टू लूज जब आप कॉमेडियन बनना चाहते हैं स्पेशली वुमन, इज योर डिग्निटी। अगर आप अपना डिग्निटी लूज करने को राजी नहीं है तो आप कॉमिक, आप फनी एक्टर नहीं बन सकते, मेल या फीमेल। और हमारी सारी हीरोइंस डिग्निटी तो छोड़िए, मतलब ब्यूटी, सबसे ज्यादा ब्यूटी, डिग्निटी, मेरा लुक, मेरा, अरे तो फिर आप एक्टिंग नहीं कर सकते, आप फनी नहीं हो सकते। तो आप हीरोइन बन सकते हैं, आप एस्पिरेशनल कैरेक्टर कर सकते हैं। हम लोग जो है ऑपोजिट ऑफ एस्पिरेशनल कैरेक्टर हैं। जब आप हीरो को देखते हैं काश मैं ऐसा हो सकता, ये फीलिंग भावना आपके दिमाग में आती है। जब आप कॉमेडियन को बोलते अरे कितना बेवकूफ है, ऐसा आता तभी आप उसमें हंस सकते हैं। अगर आपको लगे कि वाओ अर्चना सो ग्रेट, तो फिर मैं फनी तो हो ही नहीं सकती, करेक्ट, फिर मैं हीरोइन बन गई, करेक्ट। लेकिन जब बोलते शी लुक सो फनी, आई एम सो स्टूपिड, एंड यू आल्सो थिंक एक्चुअली ये मेरे जैसी है, आई एम सो सिली, लाइक अगर आप ये सोचो कि काश मैं ऐसी बन सकती, दैट इज व्हेन यू लुकिंग एट अ हीरो, करेक्ट। सो द कॉमन मैन के साथ आइडेंटिफिकेशन कॉमेडियन की ऑन एन इक्वल टर्म होती है या इवन लोअर, कि जब मैं बेवकूफी करती हूँ तो बिल्कुल ऐसी करती हूँ यार, दैट इज अ फनी कैरेक्टर। तो उसके लिए आप हीरोइन विरोइन आप सबको, आपको सब वो आइडियाज छोड़ने पड़ेंगे जो हमारी फीमेल कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स इन आर कंट्री नॉट विलिंग टू। तो फिर रही आप गाने गाइए उधर उधर, और देयर इज वन कॉमिक एक्टर हु इज विलिंग टू डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। मगर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म के बाद आपके मतलब पास जो ऑफर्स आएंगे दे विल बी मच मोर देन यू एवर गॉट, एंड आई एम नॉट सेइंग बिकॉज़ यू आर हियर, आई जेन्युइनली कोमल अगर आएंगे तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आई विल बी हैप्पी बट आई विल बी सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये मैंने पहले भी देखा है। कुछ कुछ होता है कि टाइम तो मुझे अवार्ड भी मिले थे। मैंने ये देखा है बड़ी फिल्म में अच्छा काम करो आपको बहुत तारीफ मिलती है, आप छोटी फिल्म में ब्रिलियंट काम करो आपको कोई नोटिस नहीं करता। तो मुझे कुछ कुछ होता के लिए अवार्ड मिला था, आई डिजर्वड इट फॉर अनदर फिल्म, ओके, आई बिलीव दैट। बट मैं उस पर नहीं बैठती कि मैं जाऊंगी नहीं, अरे मिल रहा है अवार्ड, ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी टू टेक, बिल्कुल जाऊंगी, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड ये पैरामीटर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के। मैं चेंज नहीं कर सकती इंडस्ट्री को, कोई नहीं चेंज कर सकता, जो चेंज कर सकता है वो घर बैठा है, करेक्ट। तो आई हैव नो सच फॉल्स इल्यूजन अबाउट माई सेल्फ। लेकिन अगर मुझे ज्यादा काम मिलेगा तो या तो मेरा वक्त बदला है तो मिलेगा, अदरवाइज आई विल बी वेरी सरप्राइज, बिकॉज इस बुनियाद पर कि मैंने अच्छा काम किया है और फिल्म हिट है, इस बुनियाद पर तो मुझे पहले मिला। माय गुडनेस, आई कांट बिलीव दिस। आपके हस्बैंड भी फिल्म मेकर है, एक्टर टर्न्ड फिल्म मेकर परमीत सेठी। घर में बहुत ज्यादा डिस्कशंस होते हैं फिल्म के बारे में सारे टाइम, कभी लगता है आज एक पूरा दिन चला गया हमने फिल्मों की तरफ, मतलब दो चार घंटे बात नहीं की, तो बहुत एक अनयूजुअल डे है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन फिल्म, एक्टिंग, टेलीविजन, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, कलेक्शन वगैरह पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते बिकॉज हम प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन फिर भी ऑफकोर्स उनकी फिल्म ने कितना किया और आज बोल बच्चन ने कितना किया, ऑफकोर्स हमारा इंटरेस्ट लेवल का है, लेकिन ज्यादातर इज क्रिएटिव।
किसने परफॉर्मेंस अच्छी दी, परफॉर्मेंस क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है, डेफिनेशन, आजकल क्या ट्रेंड चल रही है, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले, ऑल दीज फाइनर पॉइंट्स, ऑल दीज फाइनर पॉइंट्स। एंड परमीत को आपका काम, उन्होंने बोल बच्चन देखी? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूंगी तो आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैं बहुत फ्रॉड हूँ, लेकिन मैं फ्रॉड नहीं हूँ, इसलिए मैं सही से बोल रही हूँ। हमने जब बोल बच्चन देखी तो हमें फिल्म बहुत बढ़िया लगी। परमीत जो ज्यादा नहीं हंसते, मेरी तरह पागलों की तरह नहीं हंसते, वो बहुत हंसे फिल्म में। उनको ऐसी कॉमेडी ज्यादा अच्छी लगती, लेकिन उन्हें बोल बच्चन बहुत पसंद आए। मुझे फिल्म के रियल हीरोज मैंने बोल दिया, मुझे राइटर्स लगे, मुझे अभिषेक बच्चन बहुत पसंद है, मुझे अजय देवगन बहुत पसंद है, उनकी अंग्रेजी जो राइटर ने लिखी लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन किया। अभिषेक की परफॉर्मेंस वॉज टू क्यूट, टू लवेबल, एफर्टलेसली वो उन्होंने बड़ा कमाल का काम कर दिया। मुझे कृष्णा विद एफर्ट लेकिन बहुत पसंद है, बहुत फनी था, ही इज वन ऑफ द लाइक अ स्पाइन ऑफ द फिल्म, यू नो, और रोल बहुत ऑथर ड्रिवन। मुझे उसके बाद अगर किसी की परफॉर्मेंस पसंद आई है वो मेरी है। अच्छा, इन सब के बाद? हाँ, डेफिनेटली। और मुझे नीरज का काम भी बहुत अच्छा, नीरज बोल रहा है। हाँ, मैं ये कहूंगी कि मेरे पास उतनी लाइनें नहीं थी जितनी जैसे कृष्णा के पास थी, अभिषेक, अजय, लेकिन ये आई एम नॉट सेइंग कि इस वजह से लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कैरेक्टर अच्छी तरह प्ले किया। लेकिन लोग ये मुझे बोल रहे हैं कि आपका बेस्ट था और आपका ही सबसे बेहतर था और आपके ही सीन में, तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों। और परमीत को भी लगा, ही फेल्ट दैट रोहित्स जॉब वाज वेरी गुड बिकॉज होल्डिंग अ फिल्म लाइक दिस टुगेदर। सो परमीत अब डायरेक्टर के पॉइंट, ही थॉट रोहित वाज वेरी गुड, ही थॉट द राइटर्स अजय एंड कृष्णा ऑल्सो ही लाइक वेरी मच, बट ही थॉट यू वर गुड, दिस इज माई, एंड आई रियली थिंक कि आई एम गुड। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर देखें और आप ये सोचे कि अर्चना को लग रहा गुड, तो नहीं, नहीं, आप वेरी गुड बोल सकते हैं, आप ब्रिलियंट बोल सकते हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं। मैं बताऊं आपको, मुझे वाकई में क्या लगा एक्टर्स एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थॉट अजय देवगन, कृष्णा अभिषेक, अर्चना पूरन सिंह एंड असरानी, फोर पिलर्स ऑफ द फिल्म, लवली, एंड असरानी की हाउ कुड आई फॉरगेट, ही इज सो ब्रिलियंट, मतलब चार पिलर्स थे, एंड नीरज वोरा ऑफ कोर्स बिकॉज अभिषेक बच्चन वाज आल्सो गुड। आई थिंक परफॉर्मेंसेस इन द फिल्म वर अमेजिंग, ऑफ अ हाई ऑर्डर, या एंड काफी अरसे बाद मुझे ऐसा कैरेक्टर मिला है जिसमें आई कुड सिंक माई टीथ इन, अच्छा रिटन कैरेक्टर था, राइटर्स ने बोला भी था, अर्चना जी, उन्होंने ट्रायल वायल देखी होगी, अर्चना जी इस फिल्म के बाद आप हमें कॉल करेंगे, और फिर एक पॉज दिया, बोला या फिर आप हमें बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे, मीनिंग आई विल बिकम सो बिग दैट आई विल नॉट इवन बॉदर, सो आई हैव नॉट येट कॉल्ड। मैंने रोहित शेट्टी को भी ऑल द बेस्ट नहीं बोला था इस फिल्म के लिए, इसलिए कि मैंने बोला इतने सालों से मैंने कभी ऑल द बेस्ट नहीं बोला, उनकी 100 करोड़ क्रॉस की, अब की बार अगर मैं बोल दू, और कुछ मैंने कहा नहीं नहीं मैंने ऑल द बेस्ट बोला ही नहीं उनको, ही मस्ट बी थिंकिंग सबके विशेष आ गए, अर्चना की नहीं आए, नाउ दैट अभी वीकेंड हो गया है, 40 करोड़ कुछ कलेक्शन हो गया, अबाउट 38.5, 39.5, हां तो अब आई हैव द गट्स टू be able to message Rohit ki wow what a film. और अब बोल बच्चन के बाद कौन सी फिल्म में देखेंगे हम? एक साल बाद you're not doing any film. कोई फिल्म नहीं है, मेरी कोई फिल्म साइन नहीं है, मैं कोई फिल्म कर नहीं रही हूँ। मेरा एक कॉमेडी सर्कस है जो हर वेंसडे को मैं जाकर शूट करती हूँ, जिससे मेरे दाल रोटी रोजी रोटी सब चलती है, और फिल्मों पर अगर मैं निर्भर होती तो अभी तक मैं वापस चली गई होती। सो टेलीविजन जो सब लोग मलाइन करते हैं और बोलते हैं कि टेलीविजन व्हाट, टेलीविजन हैज गिवन मी माई ब्रेड बटर इज एवरीथिंग एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव, मोर देन रिस्पेक्ट, लव फ्रॉम द कंट्री एंड यू नो वर्ल्ड ओवर, बट फिल्म इज समथिंग दैट इतना मजा आता है काम करते हुए, और अब मैं चाहूंगी भी मैं कि मैं और काम करूं, बिकॉज नाउ माय किड्स आर ओल्डर, आज ही मैं बात करती थी, मैंने कहा अगर मिलेगी तो मैं लूंगी, ये नहीं पूछूंगी कि आउटडोर है ज्यादा आउटडोर, बिकॉज इट डजंट मैटर ना आउटडोर है या नहीं है, अब मैं ट्रैवल भी कर सकती हूं, और आजकल जो फिल्में बन रही है वो एक नए सेंसिबिलिटी के साथ, एंड देयर इज अ स्पेस इन देम, ये नहीं कि दो दो साल वाली, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जो आज की सेंसिबिलिटीज का बनना और जिसमें कॉमेडी हो। बोल बच्चन इतना एंजॉय किया मैंने शूट करना कि नाम मिसिंग की अरे missing, अभी कुछ नहीं है, रिलीज हो गया इतना, अब दूसरा क्या, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर फिल्म, लेकिन साइन कोई नहीं है, हेलो यू कैन साइन मी, आई एम फ्री। अर्चना जी आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे कहता हूं कि दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अब भरपूर काम मिलेगा, एंड our films are also changing, जिस तरह yeah. आप कह रही है ना कि I don't know why scenes are not written for comedians and lady comedians especially, अभी
बहुत बदलाव आई विल बी सरप्राइज और मैं आपको फोन करूंगी yes, मुझे प्लीज मुझे फोन करिएगा अच्छा ऑफर yes. आएगा तो मैं और अगर मैं फोन नहीं उठाऊं तो मैं स्टूडियो में हूं शूटिंग कर रहा हूं मैं बाद में वापस कर लूंगा अच्छा जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो इट वाज ग्रेट एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू आई लव बीइंग ऑन दिस शो एंड आई थिंक यू आर द स्वीटेस्ट क्रिटिक आई हैव एवर मेट यू आर सो स्वीट थैंक यू सो मच थैंक यू तो दोस्तों ये थी अर्चना पूरन सिंह अगर आपने इनकी फिल्म बोल बच्चन नहीं देखी है वेल यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग और अगर देखी है I always said it has repeat value. Go to the theater again and enjoy Bol Bachchan. Laugh at the antics of Archana Puran Singh and the others.